खत्म कर रहे हैं। बहुत ही शानदार प्रस्तुति हिमांशु जी द्वारा। संत कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना। द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं। अजय कुमार जो तृतीय स्थान इस विद्यालय परिवार के लोगों के साथ रहेगी। रोक बोलो आइए ना तो फोटो लगा कैसे थी। खुश रहो मेरे वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले। कि जब जगत हम यहाँ जगाएंगे उसी के माध्यम से जो है घाघरा का बिहार जो है ख़त्म होगा। तो इसके लिए हमने शिक्षा की नींव डाला 2001 में, और 2001 में जब नींव डाला तो उस समय यहाँ पर एक भी डिग्री कॉलेज नहीं था। ये बेलथरा रोड, दोहरी घाट, इंदारा, यहाँ की लड़कियाँ शिक्षा से वंचित हो जाती थी। माननीय ओम प्रकाश सिंह आए उद्घाटन करने के लिए। ओम प्रकाश सिंह जी ने कहा था कि जो थोड़ा सा जागरूक होता है प्राइमरी खोलता है, कोई उससे जागरूक होता है तो इंटर कॉलेज खोलता है, और कोई अपने को बहुत बड़ा बनता है तो डिग्री कॉलेज खोल देता है। वो कहा कि तकनीकी शिक्षा जो है पूर्वांचल में नहीं है, यहाँ के बच्चे जो हैं तकनीकी शिक्षा के लिए पश्चिम में जाते हैं और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उन लोगों का शोषण किया जाता है। इसको देखते हुए मैंने पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी नींव डाला, जो इस पूर्वांचल में जैसे कि मऊ में भी नहीं था, देवरिया में नहीं था, कुशीनगर में नहीं था, आपके बलिया में भी नहीं था एक कप छोड़ करके। तो यहाँ के जब मैंने खोला पॉलिटेक्निक कॉलेज तो यहाँ से कानपुर से ले करके बस्ती से लेकर के अरे बिहार गोपालगंज से लेकर झारखंड तक के बच्चे आकर के शिक्षा ग्रहण किए। अगर देखा जाए आज के समय देखा जाए तो शिक्षा जो है शिक्षा रह नहीं गया, शिक्षा के जगह अगर देखा जाए तो काफ़ी जो शिक्षा के जगह देखा जाए तो काफ़ी उसमें व्यवसायी लोग घुस चुके हैं, और जो काफ़ी काफ़ी नकल जो माफियाँ हैं अभी जल्दी कई जगह नकल माफियाओं को पकड़ा गया। किस तरह से हम शिक्षा को देखिए, शिक्षा जो है ना अलग अलग है, नकल माफिया की अलग बात है भाई, जिनका वो धंधा है नकल कराना। हमारा ध्येय ये है कि क्षेत्र को जागरूक करना, ये जिला का बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। मैं इसको जो है देवरांचल के नाम से नहीं चाहते हैं कि लोग इसको देवरांचल के नाम से न कहें मधुबन को, इसको शिक्षा के नाम से मधुबन जाना जाए, इस तरह के मैं यहाँ शिक्षा देना चाहता हूँ। देवरांचल पहले शिक्षा से बहुत ज़्यादा वंचित था, बहुत वंचित था, आज आपका स्ट्रगल बहुत मतलब कारगर हुआ है। हाँ। और काफ़ी आगे आपने गया, यहाँ के लोगों को, यहाँ के समाज के लोगों को अच्छी तकनीकी और अच्छा व्यवस्था, अच्छा अच्छा शिक्षा आपने शिक्षा दे रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर सर आज के युवा को क्या संदेश देंगे, युवा कैसे मेहनत करें और आपकी तरह ये भी जो है कि देवरांचल के विकास का एक हिस्सा बने, जागरूकता का एक हिस्सा। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी क्षेत्र में छोटी या बड़ी संस्थाएं हैं सभी लोग मेहनत से शिक्षा दें, लड़के मेहनत से पढ़ें, नकल पर विश्वास न करें, मेहनत से हर प्रबंधक हो चाहे प्रिंसिपल हो मेहनत से बच्चों को पढ़ावें, अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, ये लड़के आगे चल। मायने यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, ऋषि राम नरेश पीजी कॉलेज, जो हमारे राजनीतिक गुरु मानी राम नरेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, उनके नाम पर महाविद्यालय बना है, और हमारे चाचा जी इसके प्रबंधक हैं। इन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए, बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए, यहाँ क्षेत्र में कोई महाविद्यालय नहीं था, कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं था, और 2001 से करवा शुरू हुआ, आज सारी संस्थाएं हमारे इस ऋषि रामदेश की पीजी कॉलेज में चल रही हैं। आज बच्चों ने अच्छे कार्यक्रम के इसमें
इसका श्रेय सीधे हमारे जितने हमारे प्रबंधक जी को जाता है, इससे हमारे महाविद्यालय के जितने टीचर हैं उनको जा रहा है कि इन्होंने अपने बच्चों को अटेंड किया और आपके इस मंच के माध्यम से इन्होंने अपने जनता को जागृत किया, दहेज पर भी किए और कोरोना पर जैसे महामारी पर भी अपना एक दिए, जो हमारे शहीद हुए थे उन पर भी एक नाटक किए और ये संदेश दिया गया कि महाविद्यालय के बच्चे ने अब इस क्षेत्र को जागृत करने के लिए अपना भविष्य संवार रहे हैं। आपके स्कूल के बच्चे छात्र पुराने छात्रों को बुलाया गया था, उनको सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है और कैसा महसूस कर रहा है? ये महाविद्यालय परिवार बहुत खुशी महसूस कर रहा है कि जहां हम अपने शिक्षा शुरू किए थे यहां पर और हमारे बच्चे जो शिक्षा लेकर और बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, जो समाज को शिक्षित कर रहे हैं, इससे महाविद्यालय परिवार का नाम रोशन हो रहा है, प्रबंधक जी का नाम रोशन हो रहा है, इनका जो त्याग था वो हमारा त्याग सार्थक कर जा रहा है।